हेलो एवरीवन, सो वी आर हियर इन माय व्लॉग। मेरे को है ना वहां पर एक्चुअली मिल गया लखनवी सफरनामा, मतलब वो एक ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर है और वो अच्छा ब्लॉगर है, ठीक है। काफी टाइम से मैं फॉलो भी कर रहा हूँ उसको। यार क्या बकचोदी यार, मेरे को व्लॉग बनाने देगा यार, तू यही सब बकचोदी वाली बातें करता रहेगा ब्रो। विलेन का नाम क्या था तुम बता रहे थे? कौन बोगी खोल रहे हैं हम लोग, बोगी टीटी भाई, टीटी है जगह कुछ बैठने की चार लोगों के लिए? थैंक यू। कहाँ है? हाँ यहाँ है। तो हम स्टेशन पे आए हैं, जो रेस्टोरेंट है नया रेस्टोरेंट स्टेशन पे खुला है और बहुत भीड़ है, एकदम रेल की बोगी की तरह इसमें भीड़ है। जैसे रेल की बोगी में होता है वैसी भीड़ है। जैसी भीड़ आपको रेल के डब्बे में मिलती है वैसी भीड़ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। खाना आई होप कि भयंकर, सारी बात ये हो रही है मेरी जिंदगी में एक खुज्जल आदमी बैठा हुआ है, कैमरा दिखाओ, कैमरा दिखा, ये खुज्जल आदमी है, ठीक है। बंगाली बाबू आमी खाबो, पानी खाबो और खाना पीबो। With respect to all the Bengalis who are subscribing to my channel, love you all. But बात मानिए, बात है हम लोग भोगी में आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का खाना, यार मेनू दे देगा क्या मेनू, ट्रेन की बोगी वाले खाने से अच्छा होगा। लोग हमें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, बट हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है और हमारे पास आ गया मेन्यू। गाइस मेन्यू ऑर्डर कर। तो गाइस मेन्यू हमारे पास आ गया है। ये हमारे हैं साग सब्जी खाने वाले आदमी, ठीक है। इनका नाम है अरुण भाई साहब। तो ये है रिंटू, ये वेज नॉन वेज सब खाते हैं, तो हम इस हिसाब से दोनों का ये ऑर्डर करेंगे। और यहाँ पर चश्मा गाइस, यहाँ पर ना जो ये जो मतलब अपने वेटर भाई लोग घूम रहे हैं, ड्रेस तो इनकी बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है, बट इन्होंने पीछे ना अपने रेल कोच लिखवा रखा है, उसकी जगह इनको लिखवाना चाहिए। अरे तू इमली क्यों कर रहा है भाई, बना दे वीडियो मेरे को, तूने तो खैर माइंड मत कीजिए जी, हाँ फिर उंगली कर दो, हाथ अपना दूर रखिए ना मेरे कैमरे से। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने रेल कोच लगवा रखा है, इसके पीछे ये लोग टीटी लगवा सकते हैं, ठीक है। टिकट चेक कर, ये आए और पैसा वसूले, किसको देख रहा है तू? अबे रेल कोच दिखा रहा था। अच्छा रेल कोच दिखा रहा था, ठीक है भाई पलट पलटियो, भाई पलटियो, घूम जाओ इधर, रेल कोच, ठीक है, थैंक यू सो मच। भाई ने पलट के दिखा दिया, रेल कोच लिखा हुआ है उसके पीछे। यार तो यहाँ पर एक रेल कोच के अलावा टीटी का भी आना चाहिए और बीच में ना पता है चाय 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 वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो उसमें ना पूरा ये रेलवे का बोगी लगेगा। अभी कम नहीं लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, बट तब है ना ऑथेंटिसिटी आएगी। और उन्होंने साइड में वो लगा रखा है, इन्होंने वाटर के पाइप्स वगैरह लगा रखे हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्टेशन पे रुकते हैं तो स्टेशन के साइड में उनके पाइपलाइन लगे होते हैं, तो वैसा दिख रहा है वो बाहर, बहुत बहुत ऑथेंटिक सा लग रहा है। हाँ अभी आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा उस साइड, बट बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है। गाइस थोड़ा कैमरा पास कर। तो गाइस एक्चुअली क्या है, हमने ऑर्डर किया है, ऑर्डर में जो है छोले भटूरे किए हैं, कढ़ाई पनीर फुल किया है और चिकन बिरयानी किया है। चिकन बिरयानी दोपहर में खा के गए थे, बहुत अच्छा है। आपका चाइनीज़ में नहीं है आपको कुछ भी यहाँ पर अभी अवेलेबल है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर सिर्फ जो है वेज नॉन वेज मेन कोर्स, रोटी वोटी मिलेगा, ठीक है, नान वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है, बिरयानी अवेलेबल है यहाँ पर, चाट वगैरह अवेलेबल है, दैट्स इट। आप तो ये हम सबसे पीछे खड़े हुए हैं अभी बोगी में, ठीक है, इधर ड्रिंक्स वगैरह है, ठीक है, आपका ये सब मिल जाएगा, कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, यहाँ कोल्ड कॉफ़ी भी अवेलेबल नहीं थी,
यहाँ हाथ धोने के लिए आप आके अपना आराम से हाथ धो सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में इसको। और पता है जो सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी है, जो सबसे बेहतरीन चीज जो कहीं नहीं मिलती है, ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये कहीं नहीं मिलता है, तो बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल यूटिलाइज कर लिया है। पता है क्या है, ये है भाई बिल्कुल प्लेट उसकी तरह लेके जा रहा है जैसे भाई स्टेशन में जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अब तक नोटिस किया है, खाने के लिए इंतजार बिल्कुल ट्रेन वाला है, आपको थोड़ा सबर तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस भरी पड़ी है, ठीक है, तो खाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और जहां तक चाइनीज और कॉन्टिनेंटल की बात है, वो एक दो दिन में शुरू हो जाएगा, सो दिस इज गुड। आज नहीं है बट कल शुरू हो जाएगा, परसों शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो कि मैं आके खाऊं? नहीं यार, ये बहुत बेकार था, मैं खा लूंगा बट मैं क्यों वीडियो बनाऊं? अच्छा नहीं था ना, मैं भी वही कह रहा हूँ, अच्छा नहीं था यार। कट कट कट, छोले भटूरे, छोले भटूरे। तो भाई छोले भटूरे आ गए, हमारे भाई ले आए हैं, थैंक यू भाई। छोले भटूरे भाई, छोले भटूरे भाई। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? हाथ धोने। अरे ऐसे हाथ धो लेते, हवा में धुल जाता है हाथ, ये देखो हाथ धुल गया, हाथ धुल गया भाई। गाइस ये क्या है? तो गाइस छोले भटूरे, दूसरा वाइट जो मैं खा रहा हूँ। इतनी उंगली आ रही है यार भाई, इतनी उंगली आ रही है। तो गाइस छोले भटूरे, गजब। मैं तो मना कर रहा था उसको मंगवाने के लिए, पर बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है एक और पीस मंगवाना पड़ेगा, उसके लिए तो बचेगा नहीं। आगे छोले भटूरे वाला, अब खाना क्यों नहीं ला रहा भाई? बोल टिप्पणी कीजिए, कैसा है छोले भटूरे? अच्छा ना, थोड़ा चटपटा है। हाँ इंटू, तो ये बिरयानी इसमें लाए हैं लोग, और काफी अच्छा है ये, फुल आई थिंक फुल बिरयानी है। चम्मच नहीं है यहाँ पे, बट ये पहले दिन का है, थोड़ा दिक्कत। और ये अच्छा है, दही है, बिरयानी प्रेजेंटेशन अच्छा है, खा के देखते हैं बाकी। भाई ये बिरयानी है, इसमें मैं मिस कर रहा हूँ वो प्याज वाले जो फ्राइड छल्ले होते हैं, वो मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैंने बोला है उनको यार प्लीज़ वो ले आओ, मज़ा नहीं आ रहा है, क्रंची क्रंची फीलिंग नहीं आ रही। अरे ये प्याज नहीं है वो, ये तो रख दो, वो काले वाले होते छल्ले से होते हैं इसके ऊपर जो डालते हैं। हाँ ये दे दो आप, वो नहीं दिया ना, वो अभी भी हम वेट कर रहे हैं। गाइस बच्चे के रोने की आवाज आ रही ना, ऐसा लग रहा है हम ट्रेन में, आप पीछे माहौल भी देख सकते हो। ये आ गई बिरयानी की जान, अगर ये आप बिरयानी के ऊपर ऐसे डाल दो, बिरयानी में ना चार पांच चांद लग जाते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छा है, ठीक है, मजा नहीं है पनीर में, मैं ये कहूंगा मजा नहीं है। खा पी के ना मस्त, ठीक है भाई। लोगों ने रसमलाई मंगाई थी, अभी इसने हाथ आगे किया और मैंने उठा ली। भाई प्लीज रसमलाई खाओ, हाथ उसको खाने दे यार, वो खा रहा है, वो खाता है मीठा, छोड़ उसको, बदतमीज आदमी। खा भाई खा, तू खा रहा है पिटेगा मुझसे, खा चुपचाप खा ले जल्दी। ऐसे तो दोस्त हैं यार, नहीं मन नहीं है, मन नहीं, थक गए खा के, कौन थकता है, देखो
खाए हो गाइस, खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, दिल बार किस बंदू खाए हो ना। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे। तो गाइस हमने लिया है खा और हम रहे हैं चा। और एक बार आओ खा के जाओ, वन टाइम मस्ट। स्टेशन आओ, फिर स्टेशन में यहाँ आओ, खाओ, पैसा दो, एक्सपीरियंस करो और जाओ, है ना। और ये हमारे भाई जो है ये स्टेशन मास्टर है, यही पूरा मैनेज कर रहे हैं फाइनेंशियल। थोड़ा कम मिला है, अगली बार हम ज्यादा बनाएंगे। तो ये गोभी का आगे वाला डब्बा है, इंजन अभी आके लगेगा और ये जाएगा भाई तुम्हारा दिल्ली तक। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, कैमरे को थोड़ा पास लाओ, मैं पकड़ लूं यहाँ। तो ये व्यू बहुत अच्छा है जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, और हमारे साथ भाई लोग आ गए। ये भाई तो ये आगे कंपार्टमेंट है गाड़ी के, बोगी का, ठीक है। इससे काफी अच्छा व्यू है यहाँ पर, ठीक है। ये व्यू काफी अच्छा है, पीछे आपको स्टेशन दिख रहा है पूरा। और मैं कहूँगा खाना जो है ठीक है। ब्रदर डॉक्टर डॉट अभी डॉट शर्मा अंकित डॉट शर्मा फैंस यू नो ऑटोग्राफ भाई बाद में दूंगा, फोटोग्राफ के लिए भी आ जाओ भाई लोग। चीयर्स, थैंक यू। तो मजाक से लग गया, थैंक यू यार पूछने के लिए भाई। अच्छा तो बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा व्यू है और वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप आगे खा सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्लो है जैसा आपको ट्रेन की बोगी में मिलता है, क्योंकि खाना सबको सर्व करना है, सबको एक्सपीरियंस देना है। और क्वालिटी आई थिंक मैं कहूँगा 10 में से 7 है, ठीक है। जेन्युइन रिव्यू, इट्स वेरी गुड, क्योंकि आज पहला दिन है तो दे विल इम्प्रूव। अभी चीज़ें जल्दी जल्दी में हो रही हैं एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। I'll say that. Yeah.